हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनी लैब सर्जन, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मुलेरियन अनोमलीज के बारे में, यानी कि बच्चों के अंदर पाई जाने वाली बच्चेदानी से रिलेटेड जन्मजात खराबी के बारे में, और उस वीडियो में हमने वेजाइनल एजेनेसिस डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम आपसे दो बच्चेदानी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दो बच्चेदानी की, यानी कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो बच्चेदानी का डेवलपमेंट होता है वो दो यूट्राइन ट्यूब से, मुलेरियन डक्ट से मिलकर होता है, और दो ट्यूब जब जुड़ती हैं तो एक बच्चेदानी बनती है। बट कई बार शुरुआत में ही ये दोनों ट्यूब जुड़ती नहीं है और दोनों ट्यूब अलग ही रह जाती हैं और दो बच्चेदानी बन जाती हैं, जिसे यूट्राइन डाइडेल्फिस के नाम से जानते हैं। अब इसमें दो बच्चेदानी में कई प्रकार की वैरायटीज हो सकती हैं कि दो ऊपर से बच्चेदानी दो हैं और नीचे से सर्विक्स यानी बच्चेदानी की जो मुंह है वो भी दो हैं, यानी कि डाइडेल्फिस विद बाइकॉलिस यूट्रस, यानी कि दो सर्विक्स हैं, दो बॉडी हैं और दो ट्यूब्स हैं। बट कई बार क्या होता है कि नीचे से सर्विक्स तो जुड़ गई है, यानी बच्चेदानी के मुंह तो जुड़ गए हैं, बट ऊपर की दोनों जो बॉडी है यूट्रस की वो नहीं जुड़ी है, तो उनको बाइकॉर्नेट यूट्रस बोला जाता है, कि यानी कि दो ऊपर की कैविटी और नीचे बच्चेदानी का मुंह एक ही होता है। तो ऐसी स्थिति में इसके अलावा ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी कि ये आधी नीचे से जुड़ जाए और ऊपर से दो के बीच में एक सेप्टम भी हो जाए। इस तरीके की दो तीन वैरायटी हो सकती हैं। अब इन वैरायटीज में कई बार वैरायटी ये भी हो सकती है कि एक तरफ की बच्चेदानी तो जुड़ी हुई है और एक तरफ की बच्चेदानी नीचे खुली हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में जो महीने का खून है वो बच्चेदानी के अंदर ही इकट्ठा हो जाता है और पेट के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, जिसे एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो सकता है। अब इसमें जो सबसे कॉमन समस्या जो आती है वो ये है कि अगर दो बच्चेदानी हैं और वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो कई बार तो क्या होता है जब उसमें बच्चा लग गया तो 9 महीने तक पूरा चला जाता है, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से वहां एक पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे को डेवलपमेंट के लिए पूरा स्पेस ना मिले। और कई बार बच्चा जैसे 5वें-6वें महीने में अबॉर्ट हो जाता है या डिलीवरी जल्दी हो जाती है, 7वें-8वें महीने में प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जब प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे का भी डेवलपमेंट जो गर्भ में होना था वो पूरा नहीं हुआ है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रस्त हैं या आपकी जानकारी में किसी आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी को ये समस्या है, तो इस समस्या का भी अब दूरबीन से इलाज संभव है। MRI कराने से हमें समस्या के बारे में पता चल जाता है। प्रिलिमिनरी तौर पर अल्ट्रासाउंड जब सोनोग्राफी कराते हैं तो इस समस्या का पता लग जाता है कि दो बच्चेदानी है या बच्चेदानी के अंदर पर्दा है या दो और नीचे दो सर्विक्स हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे दोबारा बार बच्चे खराब हो रहे हैं और 5वें-6वें महीने के बाद आगे नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे, तो एक बार सोनोग्राफी जरूर करवाइए। और सोनोग्राफी करवाने पर अगर ये पता चलता है कि दो बच्चेदानी, तो आप 3D सोनोग्राफी करवा सकते हैं या MRI करवा सकते हैं, जिससे कि कंप्लीट अपने को डायग्नोसिस बन सके बीमारी का, कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जिसके हिसाब से सर्जरी प्लान की जाए। अगर अब अपने को पता चलता है कि दो बच्चेदानी हैं जिनका कैविटी छोटा है और उसमें बच्चा पूरा ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बच्चेदानी को जोड़ दिया जाता है और दोनों का एक बच्चेदानी बना दिया जाता है, कि एक्चुअली में जो काम गर्भ में होना था या होना चाहिए था, जो नॉर्मली होता है, बट वो किसी कारणवश नहीं हुआ, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में दो बच्चेदानियां हैं और दोनों में स्पेस आधा आधा होने के कारण बच्चे को डेवलपमेंट का स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग पेट के अंदर से दूरबीन डालकर बीच का जो ये दोनों तरफ का जो लेयर है जो नहीं जुड़ी है कैविटीज, इनको यहां से खोलते हैं मोनोपोलर कॉट्री से या हार्मोनिक से, इनमें इंसिजन लगाते हैं, खोलते हैं, और खोलने के बाद जब ये दोनों कैविटी खुल जाती है इस तरीके से, तो उनको फिर हम आगे से और पीछे से जोड़ देते हैं, जिससे कि अंदर का जो स्पेस है जो दो कैविटी में बटा हुआ था वो अब एक ही कैविटी यानी कि एक ही जगह बन जाएगा। तो इससे जो आधा आधा बटा हुआ स्पेस था अब वो एक हो जाता है और एक नॉर्मल जो बच्चेदानी के अंदर जितना स्पेस होता है वो बन जाता है। इसके कारण अब बच्चा आराम से इसके अंदर ग्रो कर पाता है और पूरा 9 महीने तक प्रेगनेंसी जा सकती है। अब क्योंकि बच्चेदानी रिपेयर हुई है, बच्चेदानी खुल के दोबारा जुड़ी है, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी कराने की हम लोग सलाह नहीं देते हैं। और ऐसे मरीज जिनका कि इस तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ है, हम ये उनको सजेस्ट करते हैं कि जब भी डिलीवरी हो तो 36 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद में 37 या 38 हफ्ते तक इलेक्टिव सिजेरियन यानी कि तारीख लेकर ऑपरेशन के द्वारा बच्चा डिलीवर
कर लिया जाए ताकि बच्चेदानी, कई बार ऐसी स्थिति में बच्चेदानी फटने की समस्या हो सकती है जो ना हो। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर आपके दो बच्चेदानी हैं और उनमें बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चे को स्पेस नहीं मिल रहा है ग्रो होने का, तो दूरबीन के द्वारा इसका इलाज संभव है। और ज्यादा इसमें सिर्फ एक दिन के अंदर अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, ऊपर वही दो या तीन छेद बनाए जाते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं है, आसानी से किए जाने वाला है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि एक भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जैसा भी किया भगवान ने अच्छा किया है और हम उसको और अच्छा बना सकते हैं बहुत छोटे से दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के थ्रू। तो आगे भी इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हम फिर एक बार नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।